केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। कौड़ा पानी की वजह से हुआ था ये पानी फाउंडेशन में गया, पानी फाउंडेशन में गया, झाड़ गिर गया, फाउंडेशन झाड़ गिरा, झाड़ गिर को खंभे गिराया, सब सारा कुछ है इसकी वजह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी। ये झाड़ जो है उदयगिरी के नंबर 166 थर्ड फ्लोर एमजी रोड मेरे घर के सामने गिरा है। लकीली इधर कोई प्रॉपर्टी और लाइफ का कभी लॉस नहीं हुआ, लेकिन सीवियर डैमेज करा है। और इसकी सारी नेग्लिजेंसी जो है, एक पाइपलाइन जो पानी की पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन डैमेज होने की वजह से हुआ। और आई बिलीव रेजिडेंट्स हैं क्या, लेटर भी लिख को दिए थे एई का, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के, इसे एग्जीक्यूट करना था झाड़ को बोल, लेकिन एक नेग्लिजेंसी की वजह से ये झाड़ गिरा। और आई एम थैंकफुल टू द कमिश्नर ऑफ जोनल ऑफिस उदयगिरी के ही हैज़ टाइमली रेस्पॉन्डेड टू दिस। मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को फोटोग्राफ्स देखो भेजो, वीडियोस देखो भेजो बोले, तो मैं वीडियोज और फोटोग्राफ्स देखो भेजा। उसके बाद फिर खुद आनंद का जो जोनल कमिश्नर है उनका कॉल भी आता, एंड फिर उन्होंने बोले मेंबर्स को भेज दी, फिर जो टीम है टीम का भी कॉल आया था मेरे को, कट करने वाले का और दूसरे भी कॉरपोरेशन वाले का। तो आई एम ग्लैड वी शुड बी lucky enough to have such commissioner with us. Thank you. नमस्ते जी। सर जी, मैं मोहम्मद अली हानी, सोशल वर्कर। आज सुबह 8:30 बजे
एक धमाके की आवाज है। जैसा मैं बाहर आया तो देखा, क्या देख रहा हूँ कि झाड़ गिर गया और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स पोल्स पूरे गिर को ही और पूरा तितर बितर पड़ा था। जैसी हालत देख रही है, तो पूरा झाड़ कट गया था। तो ये आपको देखे तो किस वजह से झाड़ गिरा, अगर को मैं तहकीकात करा तो ये नतीजे पर पहुंचा कि जो पानी की जो मेन सप्लाई लाइन है, वाटर लाइन, ये डैमेज हो गई थी। इस वजह से ये झाड़ गिरा। जैसे कि आप देख रही है, जो पानी जो जा रहा है इधर आप, मैं दिखाता हूँ इधर मेन रीजन क्या है पानी की। ये जो पानी की पाइपलाइन है, आप जैसे कि इधर देख सकती, इधर जैसे कि देख सकती आप कि ये जो पानी की मेन पाइपलाइन है, इस वजह से जो है ये झाड़ कमजोर हुआ और इस वजह से इसकी रूट्स वीक हुई, इस वजह से झाड़ गिरा और झाड़ गिर को ये पूरा तहस नहस हुआ। लेकिन आप लोग पाइपलाइन जो डैमेज किए थे और लीकेज थी, ये इसका ऑलरेडी इन्फॉर्म करे थे इनर रूम को कि ऐसा पानी की लाइन पाइपलाइन डैमेज हुआ, लेकिन उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से आज इतना हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज नहीं हुआ। अगर कोई लाइफ और प्रॉपर्टी अगर डैमेज होती तो इसका जिम्मेदार कौन था? इनकी छोटी नेग्लिजेंसी की वजह से आज इतना बड़ा ये चीज हुई है। पूरा रोड इतना बिजी रोड था जो डैमेज हुआ। अगर ये लोग टाइमली एक्शन करते तो आज ये नहीं होता था। लेकिन अगर कोई लाइफ या कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता? सर, यहाँ पे मैं देखा कि छोटे छोटे बच्चे साइकिल मार रहे हैं, अगर कोई उसके ऊपर गिर जाता तो क्या होता? ये वक्त जो है सुबह का वक्त था और आज संडे है, इस वजह से जो है स्कूल्स की भी छुट्टी थी। तो ये अल्लाह का करम बोलता हूँ मैं, ऊपर वाले का करम है। तो इस जिस वजह से ये लाइफ और प्रॉपर्टीज का भी डैमेज नहीं हुआ इसमें, ये ऐसा हुआ। इसके बाद हमें मिस्टर आनंद जो है जोनल ऑफिस से, इधर जो कमिश्नर है असिस्टेंट कमिश्नर को, उनको मैं इन्फॉर्म करा तो उन्होंने एक रेस्क्यू टीम भेजे और टाइमली रेस्पॉन्ड हुआ। तो वी आर थैंकफुल टू मिस्टर आनंद के टाइमली एक टीम आई। और ये जैसे कि तुम्हें देख सकती, आप लोग देख सकती, ये पूरा एग्जीक्यूशन हो रहा है इधर पे और रोड क्लियर भी होगा इधर पे हाफ आवर के अंदर। तो वी आर थैंकफुल टू मिस्टर आनंद। मेरा नाम मोहम्मद अकरम करके, ये तो झाड़ तो बहुत पुराना हो गया था, और घर वाले भी परमिशन लिए थे कटिंग के वास्ते, झाड़ कटिंग के नहीं होते, परमिशन भी मिल गया था। वो अभी कट कराने वाले थे, उसके पहले ही ये झाड़ गिर गया है। तो किस वजह से हुआ? वो अंदर के रूट कमज़ोर होने की वजह से ये झाड़ गिर गया है। हालांकि मेहरबानी क्या है, वो तो किसी के ऊपर नहीं गिरा है। लोग चल रहे हैं, बिजी रोड है ये, लोग आते जाते हैं, व्हीकल भी जाते आते हैं और पार्किंग भी बहुत व्हीकल भी होता है इधर। नसीब से अच्छा, नसीब अच्छा था क्या, किसी के ऊपर नहीं गिरा है और किसी का जानी माली नुकसान तो नहीं हुआ। कंपाउंड के ऊपर गिरने की वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे झाड़ा अगर कोई कमजोर झाड़ है तो उसको पहले अगर कॉर्पोरेशन वाले वो जिम्मेदार अहबाब इसके तरफ तवज्जो देकर अगर पहले से इसको काट दिए तो ज़्यादा नुकसान होने से बच सकते हैं। इंशाल्लाह जानी माली नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तो लोग बहुत फिरते आते जाते इधर, मैं भी थोड़ी देर पहले इधर भी गया था, जाने के टाइम पर अच्छा ही था, वापस आने के टाइम पर देखा तो इधर गिर गया था। वो अगर खुदा ना खासा अगर किसी के ऊपर गिर जाता तो बहुत सारा नुकसान हो सकता था। अभी हमें जिम्मेदारों से, कॉर्पोरेशन से और के बी वालों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि घरों के अंदर अभी करंट नहीं है, निकाल दिए हैं और डिस्कनेक्ट करके हैं। जल्द से जल्द हमारे को करंट अगर इसका सब सहूलत करके दिए तो बहुत मेहरबानी होती है और सहूलत है आदमियों के लिए। और पानी का भी जो है बेकार पानी जा रहा है, इसका भी अगर ये कर दिए तो बहुत अच्छा है। पानी अब रोक कर फिर वापस रेडी कर फिर वापस बहाल सर्विस बहाल करो तो सबके लिए, पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होता है। कॉर्पोरेशन से तो हमने टाइमली रिस्पॉन्ड आगा, लेकिन KPTCL जो अब तक इंतज़ार में ही कि उन लोगों आए, हालांकि KPTCL के एक आउटसोर्सिंग जिन्होंने लाइट्स डालते आए, लाइट्स खुल को चले गए। लेकिन KPTCL वाले, हमारी दरख्वास्त है कि KPTCL वाले जल्द से जल्द आए और ये खम्भे जो है ये खम्भों को वापस
री इंस्टॉल करें। कहीं को बोले तो ये खंभे गिरने की वजह से घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल सप्लाई नहीं है। ये हमारे 8:30 बजे गिरा बोल रहे हैं, आप 11 बजे होने को आ रहे हैं, केपीटीसीएल कोई आया नहीं क्या? आए थे आकर डिस्कनेक्ट करके जा कर रहे हैं। सर डिस्कनेक्ट का मतलब है कि वो खाली सिर्फ उसके लाइट खोल के गया है, खंभा की रिपेयरिंग के लिए कुछ नहीं है। अभी उसके लिए अभी आए नहीं, वो देख कर गए हैं, अभी आते करके जाकर हैं, फिर अभी आएंगे वो बोले हैं। कब आते हैं क्या आते हैं अभी पता नहीं है, देख कर तो गए हैं।